त्यौहार वैसे तो हर वर्ग मनाता है, खासकर औरतें चाहे किसी भी धर्म या वर्ग की क्यों ना हो, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस त्यौहार पर लड़की हो या और दोनों ही अपनी पसंद की पोशाक डालती हैं और झूला झूलती हैं। हालांकि आज की लड़कियां और औरतें इस त्यौहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानती कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर किसी बुजुर्ग महिला से पूछा जाए तो वो जरूर बता देगी कि इसकी क्या विशेषता है। तीज तो ये बनावा ना भाई, झूल दिया, झूल गल के सामने के सामने की झूल गल की, सच की सवेली सारी इकट्ठी होकर चाल पड़ी तो जाके ना उन्हें कहेंगे भाई झूलाओ हमने भाई बाण भाई प्यार तय झूलावा है, दो भाई लंगर पकड़ेंगे वह बाण झूलेगी, बड़ी शौक था सब प्रेम थे। ती तो ये न्यू मनाई थी, ईब तो कह दिया भाई चलो प्यार प्रेम तो रहा नहीं बाण भाई का प्यार प्रेम नहीं रहा, ईब तो बस यो चाल पड़ा मैं हूँ दूसरा नहीं हूँ भाई भाई आपने तो सीधी बात से अपनी देसी भाषा में जटू गामा में यही जाना। किसी बुजुर्ग महिला से पूछा जाए तो वो बताती है कि आई तीज बखेर की बीज, इसके बाद त्योहारों का तांता लग जाता है। पहले सिंधारा व कोतली आती जाती थी जो शादीशुदा महिलाओं के लिए होती हैं। महिलाएं अपनी ससुराल में अपने भाई का इंतजार करती थी, नई शादी वाली लड़की अपने मायके में अपनी ससुराल की तरफ से आने वाले उपहार का इंतजार करती थी, परंतु आजकल की नई जनरेशन इस बात की अहमियत ही नहीं समझती। तीज की जो महत्ता क्या है और किस लिए तीज मनाई जाती है, आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और आज के ही दिन जो है महाराजा भरतपुर जो सूरजमल ने हजारों महिलाओं को छुड़वाया था जो है मुगलों से, इसलिए खुशी से ये तीज मनाई जाती है और इसकी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। खान पान की दृष्टि से आज के दिन गुलगुले हैं, पूड़े हैं, सुहाड़ी है, घेवर है, फिरनी है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं और हमने भी यहाँ पर व्यवस्था की है और आज का त्यौहार पूरे हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है और हम भी कुरुक्षेत्र में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आधुनिकता के बदलते परिवेश में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मेरी सोच ये है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर जो है रहना चाहिए और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ कर के ये तीज का त्यौहार मनाएं ताकि हमारे बच्चों में जो पाश्चात्य संस्कार हैं वो कम हो सके और अपने संस्कार हैं वो उनसे जुड़ सके। बस आजकल तो त्यौहारों के नाम से सजना संवरना और खरीदारी करना ही रह गया है, त्यौहारों के प्रति भावना तो खत्म ही होती जा रही है। औरतें ज़्यादातर त्यौहारों के पर घर से बाहर जाकर मेहंदी लगवाती हैं। अगर किसी दुकानदार से भी पूछा जाए कि त्योहारों के बारे में आप ही बता दो तो त्योहारों के बारे में तो दुकानदार कुछ नहीं बता पाता, परंतु जीएसटी का रोना जरूर रोने लग जाता है। मैं जब छोटी थी नी गांव में, जब मतलब तीज पर झूलन जाया करते उसका मजा ही कुछ और था। मतलब आज में चीज खत्म होती आ रही है और मैंने बहुत खुशी है इस चीज की कि भाई आज मतलब मतलब पुनिया सर ने और पपोसा सर ने मतलब इतना अच्छा फंक्शन कर रखा है और वे दिन याद दवा दिए, क्योंकि गामा में भी ये चीज आज लुप्त होती आ रही है। शुरू में था मतलब मजा ही कुछ और था, झूलाया कर दे लोग सिंगर सिंगर का जाया कर दे, मतलब स्पेशली मतलब लड़कियां का लेडीज का ही हुआ है त्यौहार, इस पर लेडीज ज्यादा खुशी मनावे, भाई हैं कोथड़ी लेकर जाओगे बेबे की, चाहे वे रूस भी रहे हों फिर भी उसकी कोथड़ी देने जरूर जाओगे। यो मतलब एक त्यौहार हुआ भाई आपस में मिला दे है, दो बिछड़े लोगों ने भी मिला दे, यो मतलब परिवार ने एक करण में इस त्यौहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लोग मतलब अपनी सारी पुरानी चीजा ने भूलते आने लग रहे हैं, सारी मतलब जो पहनावा है वो भी दामन ने भूल गए, चुंदड़ी ने, ये सिर्फ यूथ फेस्टिवल में दिखावा की रहेगी। इब जुकर माम ने उरा बुला लिया मामे तो ये पैर कहेगी, बस बस इस चीज तक सीमित रहेगी ये चीज। मतलब इब जींस पहन लो, टॉप पहन लो, सूटा ने भी भूल गए लोग, सूटा पाए थे वे सूट भी भूल गए। मीठी तय कर दे हेरी माँ को थड़ी, मीठी तय कर दे हेरी माँ को थड़ी, हेरी माँ जाऊंगा बेबे के देश, पपीहा बोला पी पड़ी, हेरी माँ जाऊंगा बेबे के देश, पपैयारी बोला पी पड़ी। रिपोर्टर तहकात के लिए कुरुक्षेत्र से कुलवंत सिंह की।